हेलो स्टूडेंट्स, वोकैब याद नहीं होती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का। तो वोकैबुलरी को याद करने के लिए हम क्या करें, जरूरी भी है, आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में इंग्लिश सेक्शन में 30% लगभग 30% वेटेज जो है वो हमारे वोकैबुलरी के क्वेश्चंस का होता है। तो वोकैबुलरी याद करना जरूरी तो है, अब याद कैसे करें, तीन चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो है आप लोगों का रूट वर्ड मेथड। रूट वर्ड मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये बुक वर्ड पा मेड इजी बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक के थ्रू आप बहुत सारी वोकैबुलरी और बहुत ही तरीके से आप वोकैबुलरी को सीख सकते हैं। यकीन मानिए इस बुक में से कई सारी ऐसी वोकैबुलरी है जो आपके एग्जामिनेशंस में भी आई है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, इस बुक में से काफी सारी वोकैबुलरी आपके एग्जाम्स में आई है, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप वोकैबुलरी वाले सेक्शन को अच्छे से कवर करना चाहते हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के लिए, हमारे पास एक बहुत ही शानदार कंपाइलेशन है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, ये ठीक है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। इसमें प्रीवियस ईयर्स बहुत अच्छे से, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में तरीके से सारी वोकैबुलरी, सारी प्रीवियस ईयर्स वोकैबुलरी को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से एक रूट वर्ड मेथड और दूसरा ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, अगर आप इसको कवर करते हैं तो इससे तो लगभग आप 60-70% ऑफ योर वोकैबुलरी आपने कवर कर ली, ठीक है। अब जो रिमेनिंग वोकैबुलरी आती है, जो भी न्यू वोकैब आपके सामने आती है, तो उसको आप निमोनिक्स से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यही टॉपिक इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी कौन सी है जो आपको सीखनी चाहिए और वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस क्या है आपके सिलेक्शन के लिए, इस टॉपिक पर मैं आज शाम को 6 बजे एक लाइव क्लास ले रही हूँ, फ्री है, स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे। इस क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। तो मिलते हैं आज शाम को 6 बजे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी।